हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल परमिशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे SGID, सेट ग्रुप आईडी और स्टिकी बिट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने SUID परमिशन के बारे में बताया था, आप वो देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो SGID परमिशन के बारे में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेट ग्रुप आईडी। ये परमिशन डायरेक्टरी पे सेट होता है। जब भी कोई यूज़र SGID परमिशन वाली डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है, तो उसका ग्रुप ओनर उसके पेरेंट डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर होता है। एग्जांपल, आप इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी को देखिए, आपको ग्रुप परमिशन में एक्स की जगह एस दिख रहा होगा। इसका मतलब इस डायरेक्टरी पे SGID परमिशन सेट है, और जो भी फाइल और डायरेक्टरी इसके अंदर बनेगा उसका ग्रुप ओनर नोनाइट होगा, क्योंकि नोनाइट इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर है। डायरेक्टरी पे SGID परमिशन सेट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं chmod g+s डायरेक्टरी नेम। अब हम समझते हैं स्टिकी बिट के बारे में। ये भी डायरेक्टरी पे सेट किया जाता है। जब भी किसी डायरेक्टरी पे स्टिकी बिट सेट होता है, तो उस डायरेक्टरी के फाइल को डिलीट और रिनेम फाइल का ओनर, डायरेक्टरी ओनर और सुपर यूज़र ही कर सकता है। एग्जांपल, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी के परमिशन देखो, आपको अदर परमिशन में एक्स की जगह टी दिख रहा होगा। इसका मतलब इस पे स्टिकी बिट सेट है। इसके अंदर फाइल है बाय नन वन, तो नन वन या नोनाइट या रूट यूज़र ही इस फाइल को डिलीट या रिनेम कर सकते हैं, क्योंकि नन वन फाइल का ओनर है, नोनाइट डायरेक्टरी ओनर है और रूट सुपर यूज़र है। डायरेक्टरी पे स्टिकी बिट सेट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं chmod o+t डायरेक्टरी नेम। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ls-l कमांड रन करूँगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी दिख रहा होगा और इस पे SGID परमिशन सेट नहीं है। सबसे पहले मैं SGID परमिशन सेट करूँगा, उसके लिए कमांड है chmod g+s important, important मेरा डायरेक्टरी नेम है, एंटर ls-l। यहाँ पे आपको s दिख रहा होगा, इसका मतलब इस वाले डायरेक्टरी पे हमने SGID परमिशन सेट कर दिया है, और कोई भी यूज़र इसके अंदर कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उसका ग्रुप ओनर नोनाइट होगा। मैं अभी आपको शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरे टर्मिनल पर आ गया हूँ, जिसमें रूट यूज़र ने लॉगिन कर रखा है। अब मैं इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी में नेविगेट करूँगा ls-l, यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, टच बाय रूट ls-l। यहाँ पर अभी अभी मैंने रूट यूज़र द्वारा एक फाइल क्रिएट किया है जिसका ग्रुप ओनर नोनाइट है। अगर मैं किसी दूसरे यूज़र द्वारा भी कोई फाइल क्रिएट करता हूँ इस डायरेक्टरी में, तो उसका भी ग्रुप ओनर नोनाइट होगा। मैं नन वन यूज़र में स्विच हुआ और उस यूज़र को द्वारा एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है नन वन, और उसका भी ग्रुप ओनर नोनाइटी है। मैं नन टू यूज़र में स्विच हुआ और उसके भी द्वारा एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है नन टू, और उसका भी ग्रुप ओनर नोनाइट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टरी में से जो होता है SGID परमिशन कैसे हटाते हैं। उसके लिए कमांड है chmod g-s देन डायरेक्टरी नेम, इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी नेम है ls-l। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जो होता है अब x आ गया है। अगर मैं इस वाले डायरेक्टरी में आप कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, एग्जाम्पल टच न्यू फाइल ls-l, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका जो था अब ग्रुप ओनर नोनाइट नहीं है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम स्टिकी बिट पे प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले ls-l कमांड, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी दिख रहा होगा और इस पर स्टिकी बिट सेट नहीं है। सबसे पहले मैं इस पर स्टिकी बिट सेट करूँगा, उसके लिए कमांड है chmod o+t इम्पोर्टेंट ls-l। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टी है, इसका मतलब इस वाले डायरेक्टरी पे हमने स्टिकी बिट सेट कर दिया है। एक और बात याद रखना, इसका ओनर है नोनाइट।
अब मैं दूसरे वाले टर्मिनल पे आऊँगा, यहाँ पे मैं एज अ रूट यूज़र लॉग इन हूँ, मैं जाऊँगा इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी में ls-l, यहाँ पे अभी एक भी फाइल नहीं है, टच फाइल आर ls-l, अभी मैंने एक फाइल क्रिएट किया है फाइल आर के नेम से, दूसरे यूज़र में स्विच होऊंगा, यहाँ पे मैंने एक और फाइल क्रिएट कर दिया फाइल टू के नेम से, जिसका ओनर है नन टू, यहाँ पे मैंने एक और फाइल क्रिएट कर दिया है फाइल वन के नेम से, जिसका ओनर है नन वन। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइल वन को जो होता है कौन कौन यूज़र डिलीट या रीनेम कर सकता है। उसको सिर्फ तीन यूज़र ही डिलीट या रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले है नन वन, नन वन इसलिए कर सकता है क्योंकि नन वन फाइल वन का ओनर है। दूसरा है नो नाइट, नो नाइट इसलिए कर सकता है क्योंकि नो नाइट इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी का ओनर है। तीसरा है सुपर यूज़र और रूट यूज़र, जो फाइल टू है उसको नन टू रीनेम या डिलीट कर सकता है, वरना नो नाइट वरना सुपर यूज़र। जो नन वन है अगर वो फाइल टू को डिलीट करेगा जिसका ओनर नन टू है, तो वो फाइल टू को डिलीट नहीं कर सकता। अभी मैं करके दिखाता हूँ, रिमूव फाइल टू, यहाँ पे पूछ रहा है डिलीट करना है, मैं कहूँगा वाई यस, ये मुझसे कह रहा है ऑपरेशन नॉट परमिटेड ls-l, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल अभी भी डिलीट नहीं हुई है। तो फाइल टू को कौन कौन डिलीट कर सकता है, या तो नन टू यूज़र या नो नाइट या सुपर यूज़र। अब मैं दूसरे वाले टर्मिनल पे आ गया हूँ जिस पे नो नाइट यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, अब मैं जाऊँगा इम्पोर्टेंट में ls-l, अब मैं नो नाइट यूज़र द्वारा फाइल टू को डिलीट करूँगा, रिमूव फाइल टू, वाई मीन्स यस ls-l, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से होता फाइल टू डिलीट हो गया है। अगर किसी डायरेक्टरी पे एसटी की बिट सेट है तो जो उसके अंदर की फाइल है उसको सिर्फ उसका ओनर वरना डायरेक्टरी ओनर वरना सुपर यूज़र ही डिलीट कर सकता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।